almost here. In the meantime, we have the director of the film, Mr. Prakash Jha, here with us. And we have one of the leading actors from the film, Mr. Manav Kaur, is also here with us. So, media ke bandhuon, isse pehle ki hum aapko gaana sunaye, aap agar koi sawal jawab karna chahe, to please by all means feel free to ask any questions. I will be standing right here. आप, आप चुन लीजिए, आप सवाल करना चाहते हैं या जवाब देना चाहते हैं? गाने की खासियत ये संयोग की बात है. संयोग की बात है कि जो गाना हम आज लॉन्च कर रहे हैं ये हमारे फिल्म का ओपनिंग सॉन्ग है. इट एक्चुअली सेट्स द मूड विच इज बीइंग प्लेड इन द सोसाइटी. ये जब फिल्म शुरू होता है तो बहुत ही वास्ट लैंडस्केप आपको नजर आएगा फिल्म में, और एक बहुत ऊंची सी कटीली तारे नजर आएंगे जिसने कवर कर लिया पूरा. एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है, और एक एक कोने में सिमटा हुआ एक गांव जिसकी सारी हदें उनके तरफ चली गई हैं, और दूर मोटरसाइकिल पे 10-12-15 लोग एकदम छोटे से ऐसे दिखते हुए वो धूल उड़ाते हुए गांव की सड़कों में होता है, वो चले जा रहे हैं. और धीरे 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 ये सॉन्ग चिड़ियों के चहचहाट के बीच से निकल के आता है कि माया ठगनी, यही गाना है. ओपनिंग क्रेडिट से शुरू होता है, ओपनिंग क्रेडिट से ही ये गाना शुरू होता है. एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग है, एक दो एक्चुअली, एक ठुमरी है और एक सेमी क्लासिकल है. बाकी जनरली क्या है कि कोई भी गाना फोक है, फोक तो प्रभावित रहता ही है क्लासिकल, तो इसमें फिल्म के अंदर में 12 गाने हैं और सभी गाने इंट्रिंजिक हैं, मतलब वो एक नया डिमेंशन दे रहे हैं. और हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है उन गानों को, क्योंकि चाहे वो एक्शन सीन हो, चाहे चेस सीन हो, चाहे एक अजीबोगरीब फार्स जहाँ देख रहे हैं कि एक बाजार लूटा जा रहा है, लूटने वाले लोग भी मिले हुए हैं, उनके साथ पुलिस भी मिली हुई है, लोग भी मिले हुए हैं और पॉलिटिशियंस भी मिले हुए हैं और सारे लोग मिले हुए हैं, सब मिल करके मतलब किस तरह का एक ड्रामा खेल रहे हैं. द ट्रेलर इटसेल्फ, द रिस्पॉन्स द ट्रेलर इज वेरी वेरी गुड. सो मतलब मेरा तो अपना अच्छा ही, लेकिन इनका ज़्यादा हो रहा है कुछ थोड़ा सा. मेरे सारे दोस्त लोग सब लोग यही कह रहे हैं कि यार झा साहब बहुत सही दिख रहे हैं. प्रकाश जी, आपको किस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिले हैं? आपने एक्टिंग की है, काफ़ी प्रोमिनेंट रोल है आपका, क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले हैं? अरे मैं तो सबसे जूनियर एक्टर हूँ यार सेट के ऊपर में, मुझे अभी कॉम्प्लीमेंट कहाँ मिलेंगे. ये प्रकाशा तो थोड़ी है, प्रकाशा के छोटे भाई. ये मुझे तो कोई भी, जितने भी एक्टर सेट के ऊपर थे, दे नेवर फॉरगॉट टू लेट मी नो दैट आई वाज द जूनियर मोस्ट. प्रियंका चोपड़ा बता देती थी आप डायरेक्टर कहीं और के होंगे, लेकिन आप एक्टर जूनियर हैं तो समझ के पेश आई. और ये भाई साहब ये तो हक्की वक्की घुमा के मुझे सिखाते थे एक्टिंग. तो मैं सबसे सीखा, सबसे सबकी मैंने सुनी और काम किया. काम बहुत मज़ा आया करने में. और अभी तो ट्रेलर देखा, फिल्म देखने के बाद बात करेंगे ना. एक चीज और, क्या आपका जो रोल है इस फिल्म में, आपने किसी और एक्टर को कंसिडर किया था या आपने फिल्म के दौरान ही डिसाइड कर लिया था कि ये मैं जजिंग का एक्टर? हाँ, मैंने एक एक्टर के बारे में सोचा था मगर वो दिवंगत हो गया. मजाक कर रहा था मैं. मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा. मैं जब कास्टिंग करता हूँ ना तो एक प्रोसेस नहीं होता कि अच्छा आप कास्टिंग शुरू करते हैं, लिखता रहता हूँ, धीरे धीरे पात्र उभरते रहते हैं. क्योंकि सब कुछ यहाँ का, कुछ वहाँ का, कुछ यहाँ का लेकर के वो एक पात्र जो है, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिलता हूँ, जैसे बी एन सिंह भोलानाथ सिंह का कैरेक्टर हो, या बबलू पांडे जिसका कैरेक्टर मानो ने प्ले किया, या आभा माथुर जिसका कैरेक्टर प्रियंका ने, ये सब लोग हैं लेकिन कोई एक नहीं है, कई हैं जिनसे बात करते करते, जिनको देखते देखते, और उससे वो मिल करके जुल करके पैदा होते.
आपको एकदम डेफिनेट डेट और टाइम और फ्लाइट बताऊं? बता देता हूं, ठीक। She is all the time promoting. Today also she has given her interviews on the Skype are already there. She is digitally every time, all the time tweeting. She is all the, what else is promotion? आपके चैनल्स के भी सारे इंटरव्यूज कर रही है वो, वहाँ से बैठ करके कर रही है. वी आर हैप्पी दैट शी हैज़ बीन काइंड ऑफ लाइक यू नो ऑफर्ड, शी इज़ बीइंग ऑफर्ड द काइंड ऑफ जॉब विच इज़ यू नो जो सबका ड्रीम रहता है. तो आई वी आर विथ हर ड्रीम्स, वी आर विथ हर एज फार एज दैट इज़ कंसर्न, एंड एज फार एज हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कंसर्न शी इज़ यू नो डूइंग द बेस्ट दैट इज़ पॉसिबल. प्रिंट एंड मीडिया के इंटरव्यूज़ कर रही है, हंगामा का इंटरव्यू किया है, म्यूजिक चैनल्स के इंटरव्यू कर रही हैं, न्यूज़ चैनल्स के इंटरव्यूज़ कर रही हैं. यहाँ रहती तो और क्या कर लेती. अनफॉर्चुनेटली यूनिफॉर्म में ही हमारे फिल्म के अंदर में कोई डांस आइटम नंबर भी नहीं है कि वो करवाते उससे. वो भी नहीं है, मतलब या तो उसके फ़ायदे की देखें या अपने फ़ायदे की देखें या मिल मिला के दोनों का फ़ायदा हो जाए वो देखें, है ना. I respect his sentiment. I respect everybody's sentiment. इस देश में सबको अपना अपना विचार रखने की आज़ादी है कि नहीं. तो मैं पूरे आदर के साथ उनके कमेंट को स्वीकार करता हूँ. मैंने फिल्में बना दी हैं, फिल्में अपने आप में परिपूर्ण हैं, वो बात करती हैं, मुझे उनके लिए बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक ही विषय पर दोनों फिल्में हैं, पुलिस और समाज के संबंध, इतना ही दोनों के बीच में रिलेशनशिप है आप कह सकते हो. और गंगाजल और जय गंगाजल टाइटल उसी वजह से रखी गई है कि एक कहिए कि क्राइम फ्री सोसाइटी की परिकल्पना वहाँ भी है और यहाँ भी हमने की है. क्योंकि और दूसरों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मतलब एक क्राइम मुक्त समाज हो, तो वो एक चीज़ है. बाकी सीक्वल में मेरा अपना मानना है और इंग्लिश डिक्शनरी का भी मानना है कि सीक्वल में या तो पात्र की कहानी बढ़ती है या कहानी जहाँ छोड़ी थी वहाँ से बढ़ती है या ऐसी घटनाओं पर आधारित होती है जो एक जैसी होती हैं, जैसे राज या मर्डर में एक जैसी घटनाओं पर आधारित है. वो यहाँ वो भी नहीं है, वो भागलपुर ब्लाइंडिंग पे के इर्द गिर्द थी और